सुप्रीम कोर्ट के द्वारा राम जन्मभूमि अयोध्या मामले का फैसला आने के बाद लगाई गई कानून व्यवस्था को लेकर कलेक्टर कार्यालय के सभागार में कलेक्टर भरत यादव और एसपी अमित सिंह ने पत्रकारों से चर्चा की। इस दौरान उन्होंने बताया कि अयोध्या मामले को लेकर प्रशासन और पुलिस पिछले 15 दिनों से हर बिंदुओं पर काम कर रही थी। लोगों से जनसंवाद हो, इंटेलिजेंस का कलेक्शन हो या और भी बातों को लेकर प्रशासन और पुलिस अलर्ट थी, जिसके चलते रात से ही होमवर्क तैयार करके संवेदनशील इलाकों में फ्लैग मार्च किया गया। वहीं सुबह 2500 से ज्यादा अतिरिक्त पुलिस बल को जगह जगह तैनात किया गया, साथ ही 26 से ज्यादा अस्थायी पुलिस चौकियां भी बनाई गईं। वहीं मोबाइल वैन के द्वारा 144 धारा के संदर्भ में लगातार ऑडियो क्लिप चलाई जा रही है। वहीं एसपी अमित सिंह ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है उसका सम्मान करें और अमन शांति को बनाए रखने में प्रशासन का सहयोग करें। मॉर्निंग ये कहे कि पिछले 10-15 दिन से ही प्रशासन और पुलिस की टीम सारे बिंदुओं पर काम कर रही थी, चाहे वो जनसंवाद का इशू हो, चाहे वो पिकेटिंग का हो, चाहे इंटेलिजेंस कलेक्शन का हो, या एक टीम के तौर पे, टीम स्पिरिट के तौर पे काम करने के लिए अलग अलग चरण की हमारी मीटिंग हो चुकी थी। कल रात से ही हमने गाड़ियों का फ्लैग मार्च स्टार्ट कर दिया था। अर्ली मॉर्निंग हमने लगभग 2500 पुलिस के हमले को फील्ड पे उतारा था। जगह जगह जो हमारी पहले से हमने होमवर्क कर रखा था, 200 से ज्यादा फिक्स पिकेट जहां पर पिछले दिनों कम्युनल टेंशन हुआ था, टसल पॉइंट थे हमारे, वहां पर हमने लगभग हर जगह एक सेक्शन से ज्यादा बल वहां पे लगाया। इसके साथ ही साथ हमारी 26 से ज्यादा अस्थायी पुलिस चौकियां हमने बनाया, 200 से ज्यादा हमारी गाड़ियां चल रही हैं, ऑडियो क्लिप हमारे हर चौराहे पे चल रहे हैं, हमने पीए सिस्टम ऐसा लगा रखा है, आईटीएमएस के सिस्टम को भी हमने इस लिए प्रयोग किया है। लगातार हमारा जो अनाउंसमेंट है धारा 144 के संदर्भ में चल रहा है, अभी तक स्थिति सामान्य है और हम पूरा प्रयास करेंगे कि जो माननीय सुप्रीम कोर्ट का राम मंदिर इशू पे वर्डिक्ट आया है उसका दोनों पक्ष सम्मान करें। जबलपुर में ऐसा कोई फीडबैक नहीं है, अंडर करेंट भी ऐसा कुछ नहीं है, पुलिस अपनी तरीके से, प्रशासन अपनी तरीके से हर स्थिति से निपटने के लिए तैयार है। हमने अपना होमवर्क कर रखा है, ऐसे जो संवेदनशील स्थान है और जो न्यूसेंस वैल्यू वाले लोग हैं दोनों पक्षों के, वो हमारे रडार पर हैं, कुछ भी अगर वो करते हैं सारी तैयारी करके हम रखे हैं, तत्काल उनके विरुद्ध कार्रवाई होगी, उन्हें हम किसी भी तरीके की छूट देने वाले हैं।